नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। कोतवाली थाना ललितपुर में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक युवक का शव पटरियों पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, तो वहीं मृतक के परिजनों ने विरोधियों पर उसे जान से मार देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। आपको बताते चलें कि आज थाना कोतवाली ललितपुर में प्रार्थना पत्र देते हुए मनीराम राय पुत्र बारेलाल राय, निवासी ग्राम बुड़वार थाना कोतवाली ललितपुर ने बताया कि उसके घर पर 5 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे ग्राम गुगरवारा निवासी एक व्यक्ति आया और पूछने लगा कि तुम्हारा बेटा नीलेश कहाँ है, उसको बाहर निकालो। उस समय नीलेश घर पर नहीं था, वह अपनी पिकअप लेकर शिवपुरी मटर भरने गया था। तब उसने धमकी दी कि नीलेश मेरी बहू को भगा लाया है, उसे जान से मारना है। तब प्रार्थी व उसका परिवार दहशत में आ गया। इसी मामले को लेकर अगले दिन 6 जनवरी के सुबह 5 बजे वह व्यक्ति अपने साथ 4-5 अज्ञात साथियों के साथ लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर आ गया और घर में घुसकर प्रार्थी के व उसके परिवार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और घर की महिलाओं के साथ छीना झपटी करने लगे तथा महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए, जिन्होंने घर में 3 घंटे तक उत्पात मचाया। इसके बाद प्रार्थी ने मदद के लिए डायल 112 पर फ़ोन किया। इसके बाद नीलेश को जान से मारने की धमकी देते हुए उक्त लोग वहां से भाग गए। घटना के कुछ समय बाद थाना बानपुर से पुलिस आई तो प्रार्थी के चचेरे भाई रवि से मिली, उन्होंने बात की और सारी घटना से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस चली गई। तहरीर में मनीराम ने बताया कि वह अपने पुत्र नीलेश को शाम 4 बजे तक ढूंढते रहे। उसी समय 4:30 बजे नेहरू नगर चौकी से फ़ोन आया कि एक लड़के का शव रेल की पटरियों पर माल गोदाम के पास मृत अवस्था में पड़ा है, कहीं है नीलेश का तो नहीं है। तब वहां प्रार्थी का भाई रवि व पिता दोनों लोग पहुंचे, जहां उन्होंने नीलेश की लाश की शिनाख्त की। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के मामले में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा रवि राय नाम है। क्या घटना हो गई है? अरे घटना ये हो गई कि कल रात में कुछ लोग आए तो घर पे धमकाया है और कहने लगे नीलेश को जान से मार के फेंकना है, उनके घर वालों को मार के फेंकना है। इसके बाद फिर सुबह भी उन लोगों ने ड्रामा किया तो 100 नंबर भी लगाई, उसके बाद भी उनने ड्रामा किया तो फिर इसके बाद वो नीलू को खोजबीन करने लगे, फिर नीलू का पता नहीं चला, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के बाद में फिर शाम को पुलिस वालों से जानकारी ये मिली उसकी डेड बॉडी रेल पटरी पर। बानपुर पुलिस भी आई थी किस मामले को लेके? बानपुर पुलिस भी आई थी, बोल रही थी कि उसका घर का कोई भी व्यक्ति मिल जाए तो उसको पकड़ के ले जाएंगे, तब उसका पता चलेगा कि वो कहाँ। नहीं तो क्यों ढूंढ रहे थे लोग? ये वो लोग ये कह रहे थे कि हमारे गाँव से कोई एक बहू भगा के लाया। ये वो लोग कौन थे, कहाँ के थे, किस गाँव के रहने वाले? गुगरवारा के रहने वाले बता रहे थे, उनका नाम नहीं जानते हम लोग। पर क्या हुआ उधर? वो छेड़खानी भी उनने औरतों के साथ पकड़ा धकड़ी भी करी, बच्चियों के साथ पकड़ा धकड़ी करी। नीलेश कहाँ मिला? नीलेश की जानकारी पुलिस वालों से मिली कि इसकी ये डेड बॉडी यहाँ पर ढली रेल पटरी पर। क्या लग रहा है आप लोगों को? हम लोगों को ये लग रहा है कि उसके लिए जो जान से मारने की धमकी दे रहे थे उसको ढूंढते फिर रहे थे, उन लोगों ने मार के फेंक दिया। वो कोचिंग से आए तो वे लोग हमें छेड़ने लगे, हमने पे जैसे तैसे अपनी जान बचाई, इन लोगों ने सहायता दी, हमें छिपाया, हमने पुलिस को फोन भी लगाया था, अपनी तरफ से रिपोर्ट की थी, इन लोगों ने पता कर लिया, पुलिस को फोन लगा दिए, इधर लगा दिए, पुलिस आई तब तक ये लोग और पीछे पड़ने लगे, हम जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागे, हमें पता ही नहीं था भैया कहाँ है कहाँ नहीं है। बोल रहे थे कि वो भैया वो कह रहे थे कि तुम्हारी लड़कियों को निकालो और उन्हें हम नंगा करके ले जाएंगे, ऐसा करके ले जाएंगे। हम बहुत डर गए सर, इसलिए हम फिर बाहर नहीं निकले। क्या हो गया आपके भाई के साथ? भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, वो लोग कह रहे थे कि हमारी बहू लेके भाग गए, पर हमारे भाई कह रहे थे हम कसूर में नहीं है, हम आ रहे, तो उन्हीं के आदि कास्ट के कह रहे थे, उन्हें फोन लगा के कि तुम मत आओ तो मैं पकड़ लेंगे वो, तो भैया कह रहे थे हम आज मरेंगे तो कल मरेंगे, लेकिन हमने नहीं किया तो हम तो आएंगे, हम गाँव में आएंगे। वो आदमे इधर से आ रहे थे पटोरा साइड से, तो उन्हें उधर से पटोरा साइड से आए थे रेलवे क्रॉसिंग के धक्केदार उन्हें पकड़ के और फिर उन्हें ट्रेन के नीचे रख दिया मार कूट के, आगे मार फिर पता ही नहीं चला भैया, फिर रिपोर्ट आई कि तुम्हारे उसकी मृत्यु हो गई। क्या आशंका जता रही है, किन लोगों ने ऐसा काम किया? जी गुगरवारा के लग रहे हैं, गुगरवारा के हैं ये यादव, सब आए थे बहुत सारे आए थे 50-100 जने 150 धमकी भी दे रहे थे, बहुत धमकी दे रहे थे, सबके घर घर घुस घुस के ताला खोल खोल के हमारे ऊपर चढ़ गए ताला खोल के, सब देखा। अभी कहाँ आई आए हैं आप लोग? हम यहीं यहीं पे आए, कोतवाली आए।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।